पथ दिखाकर हमें लो चले छोड़कर, हाथ मझधार में लो चले छोड़कर। है बड़ा बेरहम यह विदाई का दिन, हमारे गुरुवर हमें लो चले छोड़कर। आज हम आपको ऐसे एक महान गुरु के बारे में बताना चाहते हैं जिनकी सेवा निवृत्ति पर कुछ नज़ारा अलग ही देखने को मिला। नौकरी पाना भी बहुत ही खुश नसीब होता है, और उससे भी बड़ा वह खुश नसीब होता है जो नौकरी पूरी करके बेदाग छवि से रिटायर होता है। हम बात कर रहे हैं आगरा जिले के नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल सुखवीर सिंह की। जब रिटायरमेंट हो रहे थे तो कुछ लोगों के आंखों में आंसू थे, तो वहीं कुछ लोग खुशी में झूम रहे थे। उनका मानना था कि यह प्रिंसिपल और गुरु ही नहीं थे बल्कि भगवान के रूप में थे। इन्होंने हमें जमीन से आसमां तक पहुंचा दिया। प्रधानाचार्य सुखवीर सिंह से खबर एक्सपर्ट ने बात की तो उन्होंने अपने बचपन की यादों को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि मैं बचपन में बहुत गरीब था, मेरे माता पिता पर मुझे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद और कड़ी मेहनत ने मुझे गरीबी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य सुखवीर सिंह ने शिक्षा क्षेत्र में इंटरनेशनल अवार्ड भी प्राप्त किया है। विश्व स्तरीय शिक्षा देने वाले गुरु सुखवीर सिंह द्वारा पढ़ाए गए शिष्यों में बहुत से IAS, PCS, IPS, जज एवं इंजीनियर हैं। उन्होंने बताया कि इस कामयाबी का श्रेय बुजुर्ग और माता पिता की दुआओं और आशीर्वाद को जाता है। प्रधानाचार्य सुखवीर सिंह ने बताया कि मैं जीवन में कभी रिटायर नहीं होऊंगा, मरते दम तक समाज की किसी न किसी रूप में सेवा करता रहूंगा। इस पावन मौके पर क्षेत्र के संभ्रांति व्यक्तियों के साथ साथ उनके पूर्व छात्र सत्य प्रकाश शर्मा IAS चीफ इंजीनियर झांसी, न्यायाधीश वर्मा जी आदि उपस्थित थे। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैंने अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त किया आज, और उससे भी ज़्यादा मुझे जो चीज़ मिली है एलुमनाई, जो दुनिया में किसी को नहीं मिलती। कितने बड़े पद से लोग रिटायर्ड होते हैं, वो मुझे आज प्यार और सम्मान प्राप्त। सर, अपने जीवन कार्यकाल का आपका यहाँ रहा है, आपने महत्वपूर्ण दिन कौन सा और कौन सी ऐसा समय था आपने जिसको आप गर्व महसूस कर सकते हैं? वैसे तो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जीवन JNV आगरा रहा है, क्योंकि हाँ, मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और इस विद्यालय को इंटरनेशनल लेवल पर मैं ले करके गया हूँ। लेकिन एक इससे भी बड़ा क्षण आया, क्योंकि मैं बहुत गरीब घर में पैदा हुआ था, जब मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिला इंग्लैंड में, और मैं इंग्लैंड गया। कौन सा सम्मान मिला? वो 2012 में मिले। आपके द्वारा पढ़ाई हुए बच्चे किस किस पद पर, कितने बच्चे हुए जो अच्छे पदों पर पहुँचे? मेरे पढ़ाए हुए ज़्यादातर बच्चे IITM, डॉक्टर, IPS, IAS और IAS, ज़्यादातर बच्चे टीचर्स या दूसरी सेवाओं में, लेकिन मैक्सिमम बच्चे मेरे वेल सेटल। आगे वाली पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आने वाले पीढ़ी को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जैसे नवोदय विद्यालय में संस्कारित बच्चे रहते हैं, इसी तरह से संस्कारवान सब बच्चे बने और शिक्षक सब संस्कारवान होंगे। हमारे ब्लड में और आज इतना उत्साहित, इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं, इतने अच्छे कार्यक्रम हुए हैं, आपको देखकर दिल गदगद हो रहा है। और विशेष तौर पर मैं आगरा एलुमनी और प्रिंसिपल सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छी बॉन्डिंग पैदा की कि हर नवोदय एलुमनी आज यहाँ आया है, और इसी प्रकार इस नवोदय परिवार को मजबूत रखें और देश की एकता और विकास के लिए हम सदैव कार्य करते रहें और इस देश को और आगे ले जाने में सहयोग करते रहें, योगदान करें।